हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विथ निधि इन हिंदी में। तो ये आप लोग वीडियो देख कर गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग आए हैं काठमांडू घूमने, काठमांडू शहर। और यहाँ है, ये जगह है सांगा, जहाँ के हम लोग घूमने हैं। वहाँ से हमने टिकट ली और फिर ये रास्ते होकर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे आपको शंकर जी की बहुत बड़ी एक प्रतिमा दिखेगी। और ये दोनों मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। तो मैं चल रही थी सैंडल पहनकर और वीडियो बना रही थी, तो बहुत सेक हो रहा था। और ये सब इसका कुछ व्यू है, ये सुबह 10 बजे का व्यू है और ऐसा ही दिख रहा था। मैं अच्छे से कैमरा को हैंडल नहीं कर पा रही थी, फिर भी जितना कर पाई वो मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया। और फिर हम लोग थोड़े से आगे आए और ये बच्चों को खेलने के लिए, तो बाबू यहाँ पे थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पर कोई भी मैं साउंड या बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, ये पूरा ओरिजिनल वीडियो है, इसमें कोई मतलब कि कुछ ऐसा किया नहीं है। और ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए, तो ऊपर का रास्ता बंद था। यहाँ पे एक अंकल थे, वो बोले आप जाओ नीचे से, नीचे से इसका जाने का रास्ता इसका नीचे से है। तो फिर बाबू थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं। इतनी दूर इतनी ऊंचाई पर है ये, तो सब कुछ एक नेचुरल चीज़ें ही इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ वो जंगल झाड़ी बस यही सब है। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहले से यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और ये खेल के रब हो गया इसका, और हम लोग ऊपर चले गए। फिर वो अंकल बोले जाओ नीचे से, तो फिर हम लोग नीचे गए। और यहाँ पे सैंडल पहनकर चलना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप कोई भी जाए तो जूते ही पहन के जाए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। फिर हम लोग नीचे जाते हैं वापस से, तो आप लोग देखिए वो भी कितना अच्छा है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी थी, बहुत लंबी बन गई थी। और ये चारों तरफ से घूमकर फिर हम लोग नीचे के रास्ते उतरकर फिर जहाँ से हम लोग टिकट लिए वहाँ से फिर एंट्री करते हैं इसमें आने के लिए। तो देखिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, और एक पीतल का बहुत ही बड़ा शंकर जी का स्टैचू है यहाँ पे। मैं तो गाड़ी में से रिकॉर्ड करना भूल गई, जब गाड़ी में थी तो इतना छोटा दिख रहे थे, और सामने देखिए कितना बड़ा है। और ये व्यू कुछ इस तरह से, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ पहाड़, और ये बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक होटल है हल्का फुल्का, और यहाँ पे इसके आसपास जितना एरिया का अंदर का होटल है वो पूरा वेजिटेरियन है।
और ये देखिए, ये शंकर जी का स्टेच्यू मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये इसी होटल के बारे में मैं बोल रही थी। ये कितना फ्रेश था, और आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकला हुआ था, इसीलिए नहीं तो कुछ भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, मैं फ़ोटोज़ भी ऐड करूंगी कि आपको अच्छे से दिख सके, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ, मेरा कैमरा बहुत सेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग ठहरे थे, तो हमारे ऊपर से प्लेन, ना जाने कितने प्लेन गए, मैंने एक प्लेन को ही रिकॉर्ड किया। और ये देखिए पूरा शिवलिंग है यहाँ बीच में लगा हुआ, और यही रास्ता होकर नीचे चले जाते हैं, और पूरा इस एरिया का एग्जिट वहाँ पे है। अगर आपको इस एरिया में फिर से आना है तो फिर से हम लोग जहाँ टिकट लिए थे वहाँ से फिर से वापस आना होगा। मैं यहाँ से आपको अच्छे से पूरा व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं एक राउंड लूँगी, पूरा आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाऊँगी। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे। ये देखिए मैं कुछ फ़ोटो ऐड करूँगी, आप देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। इसका व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखिए फ़ोटोज़, ये हमारी, हमारे पति की, हमारे बच्चे की। तो कैसा लगा आप सबको ये फ़ोटो और वीडियो? अब यहाँ पे एक मंदिर है, मैं अंदर थोड़ा सा शूट कर रही हूँ क्योंकि पंडित जी अंदर ही बैठे थे। और ये देखिए ये मंदिर से जहाँ एग्जिट होते वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे थे, तो मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे भी फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और चारों तरफ ऐसे ही बहुत अच्छा लगा हुआ था फ्लावर्स। और देखिए यहाँ पे भी एक होटल है, और ये भी शाकाहारी है, मतलब कि वेजिटेरियन है। मैं बस दिखा रही हूँ आपको, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ कि हम लोग खाना खाकर जस्ट निकले थे घूमने के लिए। वह यहाँ से घूमी और फिर मैं आपको नीचे से व्यू अच्छे से दिखाती हूँ। और ये मैं नीचे आ गई, और नीचे जहाँ पे हम लोग वो निकलते हैं एग्जिट गेट, वहाँ पे कुछ सामान मिल रहा था। और ये देखिए ये सीढ़ी उतर कर मैं नीचे आई थी, ये सब अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे थे और मैं अपनी वीडियोज़ बना रही थी। तो ये यहाँ से भी है, उधर टॉयलेट बाथरूम तो सब है। ये ऐसा इसका व्यू है, व्यू बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ नेचुरल चीज़ें मिलेंगी। और ये देखिए हम लोग फिर जहाँ से वो सीढ़ी था वहाँ से उतरे, और ये अब नीचे जा रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता यही है। और यहाँ पे सैंडल पहनकर चलना बहुत मुश्किल है, और साथ में वीडियो शूट करना तो और भी मुश्किल है। बाप रे, इतना ज़्यादा हिल रहा था कैमरा, और चलते चलते पूरा पैर दुख गया था। अब थोड़ा सा ये सही हुआ, अभी थोड़ा नीचे और जाना है, वो तो बहुत ही डेंजर है नीचे उतरना। मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं नीचे उतरूंगी, तो मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे ऊपर से आए, क्योंकि चलते चलते वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका कैमरा हिले और आपको अच्छे से बनाना भी ना आए। और ये देखिए
ये इसका एग्जिट गेट है और ये बहुत डेंजर है यहाँ से उतरना। फिर भी मैं हाथ पकड़ कर उतर ही जाती हूँ जैसे तैसे करके, क्योंकि सैंडल पहन कर उतरना बहुत मुश्किल है। मैं आपको पीछे दिखाती हूँ कैसा था। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे पानी पूरी चाट यहीं से मिल रहा था। हम लोग फिर से जाते वापस, यहाँ पे एक झुलुंगे पुल है, वहाँ थोड़ा देर हम लोग घूमने जाते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर जाते हैं, क्योंकि बाबू को थोड़ा और खेलना था, बस इसीलिए गए थे। और मैं बैठकर थोड़ी देर, ये जब तक खेला तब तक मैं रेस्ट कर रही थी, क्योंकि चलते चलते मेरे पैर बहुत दुख गए थे। इसमें मतलब सीधा कोई भी प्लेन रोड नहीं है, ये तो नीचे जाने वाला रोड है, नहीं तो ऊपर चढ़ने वाला रोड है। चलते 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 देखिए बाबू यहाँ पे जिद कर रहा है कि पानी पूरी खाना है। फिर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ से हम लोग नीचे उतरे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं झुलुंगे पुल पर। इसके बाद जाएंगे हम फिर से सांगा के अंदर। देखिए कैसा रास्ता है यहाँ पे, ये कच्ची रोड है। और यहाँ पे भी पानी पूरी मिल रहा था, वही पानी पूरी, भाजा, चटपटे, ये सब। हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और मैं पूरा पुल पर नहीं चढ़ कर गई, क्योंकि मैंने थोड़ी देर घूमा वहाँ पे और वहाँ से फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि वो पुल बहुत हिल रहा था और उस पर चलने में डर भी लग रहा था, और हवा इतनी तेज़ थी, बहुत तेज़ हवा था यहाँ पे। यहाँ का फेमस पुस्तकारी यहीं पे मिलता है यहाँ के एरिया में, तो हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ से खरीद कर लेकर गए थे। देखिए रास्ते से कितना दूर आए हम लोग। यहाँ पे वॉइस ओवर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे काम चलता रहता है और आपको बहुत चीज़ की आवाज़ सुनाई देती होगी, गाड़ी की, कौए की, बहुत सारी चीज़ें की आवाज़ आती रहती है वीडियो में। और यहाँ पे फ्रूट्स मिले थे, वहीं वाटरमेलन और खीरा। फाइनली हम लोग इस झुलुंगे पुल तक पहुंच गए। देखिए बहुत हिल रहा था, ये बहुत हिल रहा था और हवा इतनी तेज़ थी। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी जो हम लोगों ने खिंचवाए, और यहाँ के बच्चे को आदत है, तो यहाँ के बच्चे तो वैसे दौड़ते दौड़ते ये पुल को पार कर दे रहे थे। मैं 360 डिग्री दिखा रही हूँ ऐसा था। हम लोग वो नीचे के रोड होकर आए और फिर वहीं से नीचे होकर जाएंगे, कितना ऊपर आए और फिर कितना नीचे नीचे जाना पड़ेगा। बस यही है घूमने की जगह, नेचुरल चीज़ें देखो, प्रकृति का रास्ता देखो और घूमो। अरे पसार जाओ ना। हम लोग यहाँ तक आते हैं और यहाँ से फिर रिटर्न हो जाते हैं। नीचे बहुत गहराई थी और इसके नीचे भी रोड है, जहाँ से हम लोग चल जाएंगे वापस। तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।